और लाइट गई है क्या? फिर से पावर कट। वॉचमैन, वॉचमैन, कौन? कौन है ऊपर? कोई तरीका है मजाक करने का? मैं तो जान निकल गई यार। अरे कम ऑन निखिल, तू कैसे डर सकता है यार? रोज तो तू अपने हॉरर शो से हजारों लोगों को डरा देता है, लेकिन जानता है आज तेरे ही गर्लफ्रेंड ने ये सरप्राइज पार्टी देकर तुझे डरा दिया है। क्यों, डर गया ना? डर गया। यस स्पॉट, आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए हमने इस पार्टी की थीम डरा दी है। घर में पार्टी रखना क्या मुसीबत है यार, पूरा घर बर्बाद कर दिया लोगों ने। Whoa, the skull looks real. Wow, कौन रह गया नकली? निखिल ये सब क्या कर रहे हो तुम? सारा सामान कहाँ फेंक रहे हो? तुझे घर में रहने दो। It's all nonsense, all. रे यार ये कचरा थोड़ी है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। इसके लिए मेहनत लगती है। और ये मास्क क्यों फेंक रहा था तू? ला ये मैं सब लेता हूँ, तुझे नहीं चाहिए। अरे जिसको जो चाहिए ले लो यार। इसमें क्या है? वो क्या अंकल? वो वहां वहां मैंने छोटे मोतियों की माला रखी थी, वो कहां गई? माला? अबे छोटे छोटे मोतियों की माला वहां रखी थी, कहां गई? अच्छा वो माला? अंकल वो तो मैंने बेच दी, पूरे 100 रुपए में बेचे। अच्छा किया ना, 10 रुपए की माला 100 रुपए में बेच दी। अबे गधे कहीं के, ये तूने क्या सत्यानाश कर दिया? क्यों, क्या हुआ अंकल? किसको बेची हुआ माला तूने? किसको बेची? वो कल कुछ लड़के लड़के आए थे, वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ डरावनी चीजें चाहिए पार्टी के लिए, और अपने यहाँ तो कुछ ज्यादा सामान था नहीं, इसलिए जो था वो सब फुटर के दे दिया। बेवकूफ, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया? बबलू तूने माला नहीं मौत बेची है। मौत? हाँ मौत। उस माला के अंदर एक बुरी आत्मा घुसी हुई थी, इसलिए तो मैंने उसे वहां छिपा कर रखा हुआ था। बुरी आत्मा? मगर बुरी आत्मा माला के अंदर कैसे घुस सकती है? किसकी थी वो माला? वो एक खूनी की माला थी। खूनी तो मर गया है, लेकिन उसकी आत्मा उसके अंदर कैसे हुई है? अब क्या होगा अंकल? अब तो अनर्थ होगा। जहां जहां वो माला जाएगी वहां वहां दहशत और मौत बरसाएगी। मौत! क्या हुआ यार, तेरा फ्यूज क्यों उड़ गया? What's wrong with you? कुछ नहीं यार, बहुत थक गया हूँ। हाँ भाई पार्टी करो पूरी रात, और क्या होगा? तू जानता है कितना काम है और आज फिर भी तू? यार निखिल मैं एक कप कॉफी पी के आता हूँ यार, मेरी सारी थकान मिट जाएगी। तू पिएगा? नहीं तू जा, जल्दी से आ जा। हाँ आ रहा हूँ यार।
Hi, Priya. How are you? I'm good. How are you? Very fine. बाद में मिलते हैं. Yeah. ये बॉक्स ने मारा कितनी बुरी तरह से मारा कोई अपने दुश्मन को भी नहीं मारी खाया से मगर ये दरवाजा तो अंदर से बंद था अंदर तो कोई नहीं है BNC प्रोडक्शन हाउस में एक लड़की की अजीब तरह से मौत मुझे मालूम था ये होगा एक ना एक दिन जरूर होगा ये क्या अंकल देख किसी लड़की का अजीब तरह से खून हो गया है ना कोई गवाह ना कोई सबूत मिलेगा भी कहां से उसे उस आत्मा ने जो मारा है गवाह कहां से मिलेगा नहीं अंकल ये नहीं हो सकता ये हो गया है और ये उस माला में छिपी हुई आत्मा ने किया है परसों से उसे एक शरीर की तलाश थी और अब उसे वो शरीर मिल गया है वो शरीर की मदद से लड़कियों को मारना शुरू कर देगी अभी तो शुरुआत है पता नहीं वो कितने खून हो गए मुझे उस आत्मा को रोकना होगा मुझे उसे रोकना होगा अंकल निखिल ये स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस हुई हैं जरा देख लो प्लीज एक्सक्यूज मी ये ऑफिस किसका है क्यों बात क्या इस ऑफिस में जिस लड़की का कत्ल हुआ है मुझे उसके बारे में कुछ बताना है आप प्रिया को जानते हैं नहीं तुम्हें बात क्या बोलिए भाई साहब ये मेरा ऑफिस है आपको मालूम है कि प्रिया का कत्ल किसने किया है हाँ कौन है वो हीरो हीरो ये हीरो कौन है वो एक बुरी आत्मा बुरी आत्मा ये क्या बकवास है बकवास नहीं है मैडम आज से बहुत साल पहले हीरू ने अपने होने वाली पत्नी अंजलि को ठीक ऐसे ही मारा था मगर क्यों क्योंकि अंजलि ने उसे धोखा दिया मैं वापस आऊंगा बहुत जल्दी जल्दी वापस सारे लड़ाई लड़ मरना होगा जिनकी शादी शादी नहीं हुई क्योंकि अगर वो जिंदा रहे जिंदा रहे फिर किसी ना किसी ना किसी ना मैं वापस आऊंगा अंजलि का कत्ल करने के जुर्म में हीरो को फांसी होगी जब वो मरा तो उसके गले में छोटे छोटे मोतियों की माला थी बाद में उसके अंकल ने अपने पास रख ली थी
अब हीरू की आत्मा उस माला में है। माला में आत्मा? हाँ, हाँ। अब आत्मा, आत्मा एक शरीर तलाश कर रही है। जो कोई भी शख्स उस माला को पहनेगा, हीरू की आत्मा उसके शरीर में चली जाएगी, और जैसे ही उस आत्मा को शरीर मिलेगा, उन सब लड़कियों को मारना शुरू कर देगी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो माला तुम में से किसी के पास है। बताओ किसके पास है माला? तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास है माला? बताओ, तुमने खरीदी थी मेरी दुकान से माला? मुझे देख ले तो, किसी ने खरीदी हो माला? यही मेरी दुकान से खरीदी? दिखाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं इसकी बात सच निकली तो। कह रहा मेरे पास माला, बेवकूफ कहेगा। देख तेरे पास माला है कि नहीं? अरे निखिल सच बोल, ये देख तेरे पास। ये निखिल कहाँ है माला? क्या यार, मेरे पास भी नहीं है। आखिरी माला किसके पास है? माला हम में से ही किसी एक के पास है। निकिता, तुम्हें ये बात कैसे मालूम? वो निखिल के बर्थडे पार्टी के लिए हमने सब चीजें खरीदी थी ना, तुम्हें याद नहीं है? दूसरे दिन फिर हमने सारा सामान आपस में बांट लिया था। मतलब हम में से ही किसी ने निखिल से घर से उठाई है। देखो यार, तुम लोग ये माला बिना ढूंढे रहो, मुझे कुछ काम है, मैं निकल रहा हूँ। अचानक माला का नाम सुन के कहाँ चले गया? हेलो निकिता। निकिता, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। संजीव, क्या बात है? देखो निकिता, मैं ये सब बातें तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। तुम जल्दी से जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम में आकर मुझे मिलो। कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त? हाँ, इस वक्त। प्लीज देर मत करना, और देखो किसी और को नहीं बताना कि तुम मुझे मिलने आ रही हो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। निकिता, निकिता, ये हम सब की जिंदगी और मौत का सवाल है। समझे? ठीक है, मैं। संजीव, 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 निकिता, निकिता क्या हुआ? क्या हुआ निकिता? संजीव, निकिता हुआ क्या था? संजीव ने मुझे
मुझे फोन किया, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। वो बहुत घबराया हुआ था। लेकिन लेकिन निकिता संजय तुमसे कह क्या रहा था? पता नहीं, शायद शायद मुझे कुछ बताना चाहता था। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक मैंने उसकी आवाज सुनी, संजीव। और जब मैंने देखा तो देखा भी नहीं जा रहा। इसके साथ जो भी हुआ है, इसके पीछे उसी का हाथ है। उस बुरी आत्मा का हाथ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लोग मेरी दुकान से मौत खरीद कर लाए हो। वो माला नहीं, मौत है मौत। शायद सबका जिम्मेदार मैं हूं। ना ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने तुम लोग मेरे घर पे आते और ना ही सब कुछ होता। निखिल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा क्या कसूर है? वो तो हम लोगों के दिमाग में घुसा था कि हम तुम्हें किसी तरह से डराएं। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वो हीरो की माला जिस भी आदमी ने पहनी है, उसका मिलना बहुत जरूरी है। ढूंढो उसे। यहां खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार मत करो। अगर वो नहीं मिला तो तुम सबके सब मारे जाओगे, सबके सब। दो लोगों की मौत हो चुकी है, ये काम उसी का है जिसके पास माला है। मगर उस बूढ़े आदमी ने तो कहा था कि वो बुरी आत्मा सिर्फ उन लड़कियों को मारती है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। फिर उसने संजीव को क्यों मारा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हुआ कैसे? वो माला हमें से किसी एक के पास है और हमें वो माला ढूंढनी चाहिए। लेकिन वो हो कौन सकता है? ये तो वही बता सकता है जिसके पास माला है। देखो, मेरे पास कोई माला वाला नहीं है। वो माला मेरे पास भी नहीं है और मुझे माला वाला पहनने का कोई शौक नहीं है। अगर तुम भी उनके पास माला नहीं है तो फिर सिर्फ मैं बचती हूँ। अगर माला मेरे पास होती तो मैं तुम लोगों को पूछती ही क्यों। अगर हम चारों के पास माला नहीं है तो माला गई कहाँ? देखो, हम में से कोई झूठ बोल रहा है और हमें ढूंढ निकालना है कि वो कौन है। हाँ निकिता, मुझे पता था तो मुझे फोन करोगी। अंकल, अंकल प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो लोगों की मौत हो चुकी है, प्लीज हमें कोई रास्ता दिखाइए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसका एक ही उपाय है, आखिरी उपाय। हाँ प्लीज बताइए ना। सुनो, राकेश शर्ट दे दो ना, सिर्फ 5 मिनट की तो बात है। दे दो ना राकेश प्लीज। तुम परेशान मत हो, मैं साफ कर लूंगा। अभी आता हूँ। It's not problem. It's okay.
लाइटर की आवाज? ये तो निखिल की लाइटर की आवाज है। निखिल तो एडिट रूम में है, तो यहां कौन है? निखिल, 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 देख मजाक मत कर यार, निखिल, कौन है तुम? मुझे जाने दो, देखो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कुछ नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हें भी मारना नहीं चाहता हूँ, मगर क्या करूं, तुम अब बहुत कुछ जान चुके हो, तुमने मेरा असली चेहरा देख लिया है। मुझे मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अगर तुम जिंदा रहे तो मैं जो चाहता हूँ कभी नहीं होगा, इसलिए तुम्हें मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा तुम्हें। मैंने इसके बारे में मालूम पड़ गया तो उसे मुझे मारने की कोशिश की, राकेश मुझे मारने की कोशिश की, उसके हाथ में माला थी, देखो ये माला। धीरे धीरे सबको पता चल गया है कि मैं कौन हूं, सब जान गए कि ये कौन है। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा उन सबको जो हीरो के बारे में जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मार दूंगा, मार दूंगा उन सबको जो मेरे बारे में जानते हैं, खत्म कर दूंगा उन सबको।
आत्मा मेरे अंदर घुसकर मुझसे खून क्यों करवा रही है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं वापिस आऊंगा। मुझे तबीयत बहुत खराब है। निकिता तुम प्लीज मेरे घर पे आ जाओ। प्लीज निकिता। निखिल मैं अभी अभी शूट से आई हूँ। I'm really tired। निकिता मैं समझता हूँ। लेकिन प्लीज निकिता, प्लीज आ जाओ। क्यों ना हम कल मिले? कल मेरी शूट भी नहीं है। निकिता मेरी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज आई अंडरस्टैंड। प्लीज कम। ठीक है मैं आती हूँ। बाय। ठीक है बाय। तबीयत ठीक नहीं है, तुम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हो। अंदर आ जाओ। अब बोलो क्या बात है? एटलीस्ट सिट डाउन, कम ऑन। मुझे पता है तुम संजीव की मौत को लेकर परेशान हो ना। आज तो तुम्हारा टीवी पे उर्मिला के साथ इंटरव्यू आ रहा है ना? हाँ ऐसा करते हैं, मैं चाय बना के लाती हूँ, फिर हम दोनों आराम से देखते हैं। ओके आई विल बी कम। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। वीकेंड चैट का एक फ्रेश एपिसोड लेके आपका दोस्त निखिल आपके सामने हाजिर। दोस्तों आज हम उर्मिला के साथ उनकी नई फिल्म नैना के बारे में बात करने वाले हैं। चाय की पत्ती कहाँ है? उस अलमारी के ऊपर। हे भगवान, ये माला निखिल के पास है। इसका मतलब वो झूठ कह रहा था कि ये माला राकेश के पास है। उस बूढ़े आदमी ने तो बताया था कि ये माला नहीं, मौत है, मौत। उस बूढ़े आदमी ने बताया था कि जिसके हाथ में ये माला होगी वो बुरी आत्मा उसके अंदर चली जाएगी। मतलब इस वक्त वो बुरी शक्ति निखिल के अंदर ये सारे लोगों का खून। क्या हुआ निकिता, तुम पसीना पसीना क्यों हो गई? बस हम गर्मी लग रही है। ठीक है हम बाहर जाएंगे, मैं चेंज करके आता हूं। I
अंजलि ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। मैं एक एक करके सबको मार डालूंगा। मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बुरी शक्तियां आग से दूर रहती हैं, शायद इससे कुछ हो जाए। हाँ, शायद इससे कुछ हो जाए। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।